can't help but feel fine. Everything is in its place, and all of it is mine. एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज फिलहाल मैं एक्चुअली चलना में हूँ, आप देख सकते हो हम ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली लुक सी हु आर देयर विथ मी, एक्चुअली हम आप जा रहे हैं औरंगाबाद जो कि संभाजी नगर के नाम पे अभी जाना जाता है। देर आर डिफरेंट ब्यूटिफुल प्लेसेस टू बी एक्सप्लोर इन औरंगाबाद, तो वन ऑफ देम इज बीबी का मकबरा है जो कि अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हम जा रहे हैं। और मैं आपको मिलाऊंगा कि कौन कौन है मेरे साथ। सी वी आर ड्राइविंग मिस्टर विनायक माई मिडिल ब्रदर, ओके, एंड बैक साइड यू कैन सी एकता है, ओके, और पीछे देख सकते हैं माई भाभी, ओके, पीछे है, एंड आवर बेबी शुनू इज स्लीपिंग। वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हम अलग अलग जगह, लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे बीबी का मकबरा जो कि काइंड ऑफ स्मॉल ताजमहल बोलते हैं उसको। बने रहिए मेरे साथ ही वीडियो में, मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसा है बीबी का मकबरा एंड हाउ द प्लेस इज। लेट्स गो एंड एंजॉय द प्लेस। औरंगाबाद एयरपोर्ट एंट्री गेट। अब हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद का जो सेंटर ऑफ द सिटी बोल सकते हैं कि आप देख सकते हो आगे जो क्रांति चौक है। अभी आपको ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा। वी आर गोइंग देयर एंड राइट साइड ना, यस वी हैव टू टेक राइट टर्न। हाँ, तो अगर ये जालना के साइड से आ रहे हो तो आपको क्रांति चौक तो आना पड़ेगा। अलग रास्ता भी है, लेकिन अब हम जालना के साइड से जा रहे हैं। ये है क्रांति चौक, इससे हमको फिर राइट लेना पड़ेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखिए क्रांति चौक का शिवाजी महाराज का स्टैचू यहाँ पे आप देखे होंगे। बहुत सारे लोग क्रांति चौक, ब्यूटीफुल प्लेस। जलना रोको सकते गाइस सामने। तो हम पहुंच चुके हैं अभी हाँ, अभी हम फिर इसको पार्क करेंगे गाड़ी और इसके बाद अंदर जाएंगे। अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो गाड़ी जो है आपको पीछे पार्क करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे गाड़ी पार्क करना है, ठीक है। ये है एंट्रेंस पॉइंट, इसके अंदर हम जाएंगे। आप देख सकते हो सामने खूबसूरत नज़ारा। थोड़ा ही टाइम के बाद मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल्स हम एक्सप्लोर करने वाले। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, ओके। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बीबी का मकबरा में। आप देख सकते हो अभी हम गाड़ी को पार्क किए हैं और अभी हम जाने वाले हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। चलिए चलते हैं अंदर। गाड़ी एक्चुअली हमने पार्क किया, आप देख सकते हो, ओके।
और आपको गाड़ी पार्क करने के लिए अगर फोर व्हीलर है आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे एक्चुअली मेंशन हुआ है कि ओनली जो है 30 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा पार्किंग के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो ये है, ये एरिया पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। मेरे ब्रदर और नेहा आ रहे हैं पीछे में, और आप देख सकते हो ये जो है ना पीछे मेरा ये है एक्चुअली बीबी का मकबरा। मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा। एक्चुअली गाइस आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली इट्स लुक्स लाइक एक्चुअली ताजमहल, ताजमहल जैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है एक्चुअली। तो चलिए चलते हैं अंदर। ओके, ये है एंट्रेंस गेट, आप देख सकते हो माय ब्रदर इज स्टैंडिंग हियर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो ये वाली, वहाँ से जो आप देख रहे हो यहाँ पे टिकट होता है एक्चुअली। एक सराउंडिंग है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ओके, ये एक सराउंडिंग है। तो गाइज ये है एंट्री, आप देख सकते हो। आपको मैं अभी अंदर लेके जाता हूँ। दे लो कि तुम्हें तांग पक नया पकड़ो अच्छी ना दे लो तुम्हें दिस इज दबा आओ डॉल करके She is having that one. Okay. Oh, nursery go side का है कि उधर बड़ा हुई है। जी, ये तो उधर। हाँ। कल जाते हैं क्या करने? चल, yes. चल। सो गाइज ये है, आप देख सकते हो बीबी का मकबरा। तो फिलहाल हम एक्चुअली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बीबी का मकबरा में। आप देख सकते हो मेरे पीछे इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। इट विल फील लाइक जस्ट अ काइंड ऑफ स्मॉल ताजमहल जैसा आपको फील होगा। और इसका जो हिस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलिए बहुत ही नज़दीक से इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसके अंदर से पीछे में एंड बैक साइड में भी क्या क्या सब चीज़ें सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए Thank you.
बीबी का मकबरा एक ऐसा स्मारक है जिसे ताजमहल की प्रतिकृति माना जाता है। ताजमहल निश्चित रूप में भारत का एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, भारत के महाराष्ट्र स्टेट में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका अलग नाम है संभाजी नगर, में ताजमहल जैसी और एक स्मारक है जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको क्यों बीबी का मकबरा का नाम दिया गया। बेगम 8 मई 1637 में मुगल राजकुमार औरंगजेब से विवाह किया था। औरंगजेब और दिलरुस बानो बेगम के 5 बच्चे थे, जिसमें मोहम्मद आजम शाह सबसे बड़ा बेटा था। चारों तरफ आपको सेम ही दिखेगा। चारों तरफ आपको सेम ही लगेगा। एक्चुअली ये सेकेंड साइड, ओके, दिस साइड वाज द एंट्री, और उस तरफ भी आपको सेम ही दिखेगा, ये साइड में भी आपको सेम ही दिखेगा। आप जो भी साइड में आएंगे आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए फैमिली के साथ। अपने 5वें बच्चों को जन्म देने के दौरान दिलरुस बानो बेगम एक भयंकर बीमार से पीड़ित हो गई थी और लगभग 1 महीने के बाद 8 अक्टूबर 1697 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब और उनका सबसे बड़ा बेटा आजम शाह बिल्कुल ही टूट चुके थे, जिसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो उनकी यादों में एक निशानी बनवाएंगे। और लगभग 3 साल के बाद औरंगजेब ने एक निश्चित स्थान को चुना जहां मकबरा का काम आरंभ करना था, लेकिन औरंगजेब केवल कभी बनवा पाया था। औरंगजेब के बाद मकबरा का निर्माण कार्य आजम शाह ने संभाला। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। एंजॉयिंग गाइस।
ये है बीबी का मकबरा का जो नीचे का पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट दिखाया था, अभी हम जाएंगे साइड में और ये जो पार्क है ओके, तो मैं आपको पार्क तक लेके जाऊंगा। आप देख सकते हो इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको फैमिली के साथ जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए और अच्छा लगेगा। बाद में इस मकबरे को बीबी का मकबरा टॉम्ब ऑफ द लेडी कहा जाने लगा। गुलाफ मुस्तफा के तारिक नेम के अनुसार इस ऐतिहासिक मकबरा का निर्माण लगभग 1607 से 1661 के बीच में किया गया था और इस मकबरा का निर्माण के लिए लगभग एक साल टाइम लगा था और 6,687 रुपए की लागत आई थी। इस मकबरा में चार मीनार है, प्रत्येक मीनार की ऊंचाई लगभग 275 मीटर है। इस मकबरा का निर्माण मुगल साम्राज्य के दो सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों आटा उल्हा और हंसपत राय के द्वारा किया गया है। ये मकबरा एक सुंदर बगीचा के बीचों बीच बनाया गया है जिसे चार बाग गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा का तुलना अक्सर ताजमहल के साथ की जाती है जिसके कारण इसको दागनी ताज भी कहा जाता है। इस मकबरा को बनाने में जिस मार्बल को इस्तेमाल किया गया है वो जयपुर राजस्थान की खान से मंगवाया गया था। इस मकबरा का बीचों बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलरोश बानो बेगम की कब्र बनाई गई है जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत गुमान बनाई गई है। सो गाइस, ये था एक कम्प्लीटली एक डॉक्यूमेंटरी वीडियो एंड कम्प्लीटली एक सिनेमैटिक वीडियो रिलेटेड टू अबाउट द बीबी का मकबरा। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कि आपको हर हफ्ते में एक ऐसे कुछ नया नया खूबसूरत जगह का अपडेट्स देता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखना, मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे कुछ नया एंड खूबसूरत जगह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।